मध्यकालीन संत महात्मा कबीर ऐसे संत भक्त हुए हैं जिन्होंने भारतीय जीवन के अत्यंत ही गहराई को प्रभावित किया है। भारत के मूल जीवन दर्शन का पुनरुत्थान कर नवीन चेतना का प्रवाह मानव जीवन के ऐहिक और पारलौकिक कल्याण की कामना कबीरदास जी के दोहे का मुख्य उद्देश्य रहा है। यही कारण है कि कबीर के दोहों का अध्ययन और अध्यापन केवल कबीरपंथी ही नहीं करते, जनमान्य जन सामान्य में भी उनकी कविताएं लोकप्रिय हैं, उनके दोहे लोकप्रिय हैं, उनके साहित्य लोकप्रिय है। कबीर की भाषा सधुक्कड़ी भाषा अर्थात साधु और संतों की भाषा है। जहां उनकी भाषा में राजस्थानी, पंजाबी और कहीं कहीं शेखावटी की खड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, वहीं कहीं कहीं भोजपुरी भाषा का भी प्रयोग सुनने को मिलता है। कबीर दास न स्वयं लिखते थे न किसी से लिखाते थे, उनके शिष्य मंडली स्मरण मात्र से ही उनकी साथियों और पदों का संकलन करती थी। यही कारण है कि विभिन्न संस्करणों की भाषा भी कुछ कुछ भिन्न होती गई, कुछ अवधि के ठेठ के रूप में, तो कुछ राजस्थानी से प्रभावित ब्रज भाषा में, और कई पद तो भोजपुरी भाषा में भी संग्रहित हैं। आज के दूषित और तनावपूर्ण वातावरण में जहां नैतिक पतन, सामाजिक और चारित्रिक पतन की ओर हम सभी तेजी से गर्त की ओर जा रहे हैं, ऐसे में कबीर की वाणी आज कितना महत्वपूर्ण है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कबीर दास जी की सार्थकता और भी बढ़ जाती है। वह निर्गुण स्वरूप हो तो कबीर दास से बड़ा संत कोई दिखता नहीं है, जिनकी कविताओं में निर्गुणात्मक स्वरूप का बड़े ही उच्च कोटि से वर्णन किया गया है। आज मैं कबीर के जिन पदों को गाऊंगा या परिभाषित करूंगा उसमें मूल भावधारा को अक्षुण रखने की चेष्टा और प्रमाणिक अभिव्यक्तियां भी प्रस्तुत की गई हैं। तो आइए कबीर दास जी के कुछ खास दोहे साखियों का हम लोग गायन और पाठन करें। महात्मा कबीर सच्चे तत्व ज्ञान का उपदेश इस प्रकार देते हैं, जरा इस पंक्ति पे गौर करें। ऐसा कोई ना मिले, ऐसा कोई ना मिले हमको दे उपदेश, हो सागर में डूबता कर गही काढ़े केस। कबीरदास जी कहते हैं, हमें ऐसा कोई गुरु नहीं मिला जो सच्चे तत्व ज्ञान का उपदेश हमें देता, और तब इस भवसागर में डूबता हुआ अपने हाथ में बाल पकड़कर निकाल लेता। ये भवसागर रूपी जो दुनिया है, जो जग माया है, उसमें हम सभी लोग डूबते हैं, उतराते हैं। कोई ऐसा गुरु मिलता जो हमारे केश को काढ़कर पकड़कर खींच लेता इस भवसागर से, और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती। ऐसा कोई ना मिले हमको दे उपदेश, हो सागर में डूबता कर गही काढ़े केस। कबीरा कर गही काढ़े केस।
अगली पंक्ति में संत कबीर कहते हैं, जरा देखिए, यह जीवन असार है, यह संसार असार है, यहाँ तो हम लोग एक मुसाफिर की भांति आए हैं और यहाँ से चले जाना है, अपना ठौर ठिकाना तो कहीं और है। संत कबीर कहते हैं कि इस असार संसार में सभी कुछ क्षण भंगुर है, और अगर कुछ है सत्य, एकमात्र सत्य, तो वह प्रभु है। कैसे? बैद मुआ रोगे मुआ, बैद मुआ रोगी मुआ, मुआ सकल संसार एक कबीरा नाम हुआ, जिनके राम आधार। राम नाम की महिमा, प्रभु के नाम की महिमा कितनी अपरंपार है। तभी तो कबीरदास जी कहते हैं कि वैद्य भी मर गया, मरता ही है, और रोगी भी मर जाता है, दोनों मर जाते हैं, सारा संसार ही मर जाएगा, केवल कबीर अर्थात वह व्यक्ति, वह भक्त जिसने भगवान की शरण ले ली है, प्रभु राम के शरणागत हो गया है, वह नहीं मर सकता, नहीं मर सकता, नहीं मर सकता। बैद मुआ